एवरीवन, वेलकम टू फैंटास्टिक फीस्ट। जैसे कि राखी फेस्टिवल आ रहा है, हम सबको पता है, एंड हम सबके घर में कुछ ना कुछ मीठा बनेगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम बाहर से मिठाई लाना अवॉइड कर रहे हैं, तो हम घर पे ही मीठा बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको बताऊं जो मेरी कोकोनट बर्फी की रेसिपी है, जिसमें कोई भी कंडेंस मिल्क, कुछ घी, मिल्क पाउडर कुछ भी नहीं डलेगा। प्योर एंड प्योर हम मिल्क में उसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है जो कि मार्केट में इजीली आजकल अवेलेबल है, जो काफी हद तक आपको फ्रेश कोकोनट वाली टेस्ट देगा। मिल्क लिया है मैंने, यहाँ पर होल फैट मिल्क लिया है, आप जो भी मिल्क ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। शुगर ली है एंड सैफरन लिया है, कुछ मिल्क में मैंने कुछ सैफरन के स्ट्रेंड्स डिसॉल्व करके वो लिया है। तो चलिए बनाते हैं हम कोकोनट बर्फी। उसके लिए मैं मेरा स्टोव ऑन कर दिया है, अब मैं इसमें मिल्क डालूंगी और अब जब इसमें बॉईल आएगा तब हम इसमें कोकोनट डाल देंगे। अब मिल्क में बॉईल आ गया है तो अब हम इसमें कोकोनट डाल देंगे और हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक सारा मिल्क रिड्यूस नहीं हो जाता है, तब तक हमें इसे बॉईल करना है। बीच बीच में आप इसको स्टर करते रहिए ताकि ये नीचे स्टिक ना हो जाए। अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, काफी मिल्क आप देख सकते हैं एवेपरेट हो गया है। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में इसको कुक किया है। थोड़ा सा और मिल्क है, वो भी हम पूरा एवेपरेट होने देते हैं, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अब देखिए सारा हमारा मिल्क एवेपरेट हो गया है, थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो शुगर के साथ हो जाएगा। अब मैं इसमें शुगर डालूँ एंड अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब जो शुगर हमने डाली है उसका भी लिक्विड बन जाएगा, तो अब हम और कुक होने देंगे कि वो पूरा लिक्विड इसका एवेपरेट हो जाए, तब तक हम और कुक करेंगे। फ्लेम आप लो टू मीडियम रखें। अराउंड 10-15 मिनट्स हो गए हैं, आप सुन सकते हैं आवाज़, काफ़ी वाटर इसका एवेपरेट हो गया है बट अभी भी है। तो हम इस टाइम पे सैफरन मिल्क इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि कोकोनट बर्फी एकदम वाइट रहे तो आप सैफरन अवॉइड कर सकते हैं। और अब मैं इसको करीबन 5-10 मिनट्स और इसको लगेंगे। काफ़ी वाटर इसका एवेपरेट हो गया है, चाशनी बन चुकी है। थोड़ा सा हम इसको 5-10 मिनट्स और करेंगे, जब तक कि एकदम ऐसे कम्बाइंड हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हमारी बर्फी डन है। तो इसको हम 5 मिनट्स और पकने देते हैं, बिकॉज अभी भी मुझे थोड़ा सा वाटर की आवाज़ आ रही है। तो अच्छे से जब चाशनी बन जाएगी तो ये अपने आप से कम्बाइंड होने लग जाएगा। अब आप देखिए हमारी ये कम्बाइंड होने लग गई है एंड शुगर की पूरी चाशनी बन गई है। तो इस टाइम पे हम ऑफ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ग्रीस्ड ट्रे ले ली है जिसको मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। आपके पास जो भी प्लेट या जो भी थोड़ा सा हाइट में हमें चाहिए वो आप ले लीजिए, उसको ग्रीस कर दीजिए। एंड अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आज हम यहाँ पर बर्फी बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको मैं ट्रे में ट्रांसफर कर दूंगी और स्पून से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी पूरे अच्छी तरह से। इवनली मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी इस मिक्सचर को। आप कोई भी बोल या कटोरी लेके एंड फिर आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि वो इवनली प्रेस हो जाएगा। अब देखिए मैंने पूरा इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब आप इसको ठंडा होने दीजिए और फिर हम इसको बर्फी के शेप में कट करेंगे। आप चाहें तो इस पे वर्क भी, जो सिल्वर लीफ होती है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 2-4 मिनट इसको ठंडा होने दीजिए फिर वो लगाइए। एंड कट हम इसको पूरा जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको कट करेंगे। अराउंड 1/2 आवर हो गया है एंड काफी ये ठंडी हो गई है, तो अब हम इसको कट कर देंगे। जो साइज की आपको चाहिए आप कट कर दीजिए उसको। और अब ये सब कट गई है, अब हम इसको सर्व कर दें। ये लीजिए हमारी कोकोनट बर्फी रेडी है, जो कि हमने प्योरली मिल्क से बनाई है। अगर आपको लगे कि आपकी इतनी क्लीन कट नहीं हो रही है तो आप उसको 10-15 मिनट्स फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो थोड़ी सी फर्म हो जाएगी एंड फिर आप उसको कट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो एकदम क्लीन निकलेगी।
तो एंजॉय कीजिए इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के साथ ये कोकोनट बर्फी, होम मेड कोकोनट बर्फी। एंड डू कमेंट कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फैंटास्टिक फीस्ट। थैंक यू।